अगर आप सीखना चाहते हैं एमिनो एसिड्स के डी और एल कॉन्फ़िगरेशन और पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से। आज मैं बात करने वाला हूं एमिनो एसिड्स के डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के बारे में और साथ साथ पेप्टाइड बॉन्ड के बारे में थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातें, तो आइए सीख लेते हैं। एमिनो एसिड का डी और एल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये एक तरह की स्टीरियो केमिस्ट्री है। ये स्ट्रक्चर सीधा सीधा चलता है ग्लिसरलडिहाइड के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर एमिनो एसिड की बात करने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी ग्लिसरलडिहाइड की। ग्लिसरलडिहाइड के दो स्ट्रक्चर्स हैं, एक डी और एक एल, अलग अलग नाम दे दिया। ग्लिसरलडिहाइड का बेसिक स्ट्रक्चर अगर देखें तो ये है ग्लिसरलडिहाइड का स्ट्रक्चर और ये दो इसके कॉन्फ़िगरेशंस, दिस इज डी कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज एल कॉन्फ़िगरेशन। अब कैसे कहा इनको डी और एल? सिंपल है, एक ही सीधा सीधा मॉलिक्यूल है जो चेंज हो रहा है, जो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। अगर OH मॉलिक्यूल राइट साइड में प्रेजेंट है तो इट बिकम्स डी कॉन्फ़िगरेशन, और अगर ये OH मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो ये बन जाएगा एल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बिल्कुल सिंपल है। इसी के एनालॉगस अगर हम एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो कैसा होगा? सपोज दिस इज अल्फा कार्बन, इसके साथ अमीनो ग्रुप है, हाइड्रोजन, कार्बोक्सिलिक, और ये आ गया साइड चेन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा एल कॉन्फ़िगरेशन। अमीनो ग्रुप OH के एनालॉगस चलेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एल्डिहाइड के एनालॉगस चलेगा। एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बन जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इमीडिएट ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहां पर एल्डिहाइड के एनालॉगस हमने रख दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और OH के एनालॉगस हमने रखा हुआ है अमीनो ग्रुप। तो यहां पर अमीनो ग्रुप अगर लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है तो ये बन जाएगा एल कॉन्फ़िगरेशन, और इसी के एनालॉगस अगर अमीनो ग्रुप राइट साइड में प्रेजेंट है कुछ इस तरह से तो ये बन जाएगा डी कॉन्फ़िगरेशन। तो ये है इसका डी कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया इसका एल कॉन्फ़िगरेशन। अमीनो ग्रुप OH के एनालॉगस चल रहा है, बाकी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका साइड चेन है, सपोज इसके साइड चेन्स अलग होते ही हैं। अगर मैं बात करूं डी ग्लाइसिन और एल ग्लाइसिन की, तो यहाँ पर सिंपली आर की जगह आ जाएगा एच, यहाँ पर आ जाएगा एच। अब ये बन गया एल ग्लाइसिन, ये बन गया डी ग्लाइसिन। अगर मैं बात करूं एलानिन की, तो साइड चेन चेंज कर दी, ये बन गया एल एलानिन, ये बन गया डी एलानिन। इसी तरीके से बाकी सारे अमीनो एसिड्स चेंज होगा तो सिर्फ साइड चेन। ये अमीनो ग्रुप अगर राइट साइड में है तो बन गया डी कॉन्फ़िगरेशन, अगर ये अमीनो ग्रुप लेफ्ट साइड में है तो बन गया एल कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल है। इस डी एल कॉन्फ़िगरेशन को कंफ्यूज नहीं करना स्मॉल डी और स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन से। ये स्मॉल डी स्मॉल एल कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये है डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी
तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये चलता है अकॉर्डिंग टू रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब कोई लाइट किसी प्लेन में ट्रेवल कर रही हो और उसका रोटेशन करवा दें राइट साइड की तरफ, तब कहलाएगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और अगर लेफ्ट साइड की तरफ रोटेशन करवा दें तब कहलाएगा लीवो रोटेटरी। तो इस डी और एल कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना, ये अलग है, दिस इज डिफरेंट, दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये चलेगा ग्लिसराइड के अकॉर्डिंग, ग्लिसराइड का स्ट्रक्चर ये, और इसके बेसिस पे इसके एनालॉगस चलेगा अमीनो एसिड का कॉन्फ़िगरेशन। तो फिलहाल इसका कोई इशू नहीं है। तो ये सिंपल सी स्टीरियोकेमिस्ट्री है अमीनो एसिड्स की, डी और एल कॉन्फ़िगरेशन की। आगे बात करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड की। सपोज ये एक अमीनो एसिड है, ये इसी के साइड में दूसरा अमीनो एसिड है, इन दोनों के बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। ये बॉन्ड तो इन दोनों अमीनो एसिड को कनेक्ट करेगा, और पेप्टाइड बॉन्ड सिंपली अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल टर्मिनल और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो टर्मिनल के बीच में बनेगा। तो अगर इस कार्बोक्सिल टर्मिनल का ये OH मॉलिक्यूल निकल जाए और इस अमीनो टर्मिनल का ये H मॉलिक्यूल निकल जाए, तो अल्टीमेटली क्या चीज बाहर आई, एक OH और एक H यानी मिलकर बना देंगे ये H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर आ गया। और अब जो स्ट्रक्चर बचा वो है ये स्ट्रक्चर बचा, और इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये है पेप्टाइड बॉन्ड, और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे डाइपेप्टाइड। तो डाइपेप्टाइड में कई बार स्टूडेंट से कंफ्यूजन करते हैं कि ये डाई मतलब दो और पेप्टाइड मतलब पेप्टाइड बॉन्ड, तो कहीं इसका मतलब ये ना हो कि दो पेप्टाइड बॉन्ड हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डाइपेप्टाइड का मतलब दो अमीनो एसिड्स हैं, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड कनेक्टेड बाय वन पेप्टाइड बॉन्ड, जब ऐसा होगा तब ये कहलाएगा डाइपेप्टाइड। और अगर इसी के आगे एक और अमीनो एसिड ऐड हो जाए, सपोज ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड, इसके साथ कनेक्टेड है ये नाइट्रोजन, इसका हाइड्रोजन सी अल्फा, सी अल्फा के साथ एक आर ग्रुप होगा, एक हाइड्रोजन, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो अब इस केस में ये कहलाएगा ट्राइपेप्टाइड। ट्राइपेप्टाइड मतलब तीन एमिनो एसिड्स हैं, वन टू एंड थ्री, तीन अमीनो एसिड्स हैं विच आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय टू डिफरेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो ये है डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, ऐसे ही आगे चलेगा टेट्रापेप्टाइड, पेंटापेप्टाइड। लगभग 18 टू 20 अमीनो एसिड्स जब कनेक्ट होंगे, 18 टू 20 अमीनो एसिड्स, तो उस केस में कहलाता है ओलिगोपेप्टाइड, ओलिगो पेप्टाइड। और फिर इसके ज्यादा
100 more than above amino acids connected हो तो कहलाएगा polypeptide. तो ये है peptide bond का. इस केस में कोई भी polypeptide हो उसका एक एंड ऐसा होगा जिस पे अमीनो ग्रुप फ्री पड़ा हुआ होगा और दूसरा एंड ऐसा होगा जिस पर कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री पड़ा हुआ होगा. तो इस एंड को बोलेंगे एंड टर्मिनल एंड. एंड टर्मिनल एंड और इस एंड को बोलेंगे कार्बोक्सी टर्मिनल या फिर सी टर्मिनल एंड. ऐसे इसको अमीनो टर्मिनल या फिर एन टर्मिनल एंड, कार्बोक्सी टर्मिनल या फिर सी टर्मिनल एंड. तो कितनी भी लंबी पेप्टाइड चेन हो, कितना भी लंबा पॉलीपेप्टाइड हो, उसका एक एंड हमेशा एन टर्मिनल एंड होगा और दूसरा एंड कार्बोक्सी टर्मिनल एंड होगा. इस तरह की टर्मिनोलॉजी आपको जनरली बुक्स में देखने को मिलती है. कई बार इस तरह के एंड्स का मॉडिफिकेशन होता है, डायरेक्टली जो ऑथर है बुक का वो लिख देता है कि एंड टर्मिनल एंड पे पर्टिकुलर मॉलिक्यूल आकर के अटैच हो गया. तो वहां पर आपको पता होना चाहिए विच वन इज एंड टर्मिनल एंड, विच वन इज कार्बोक्सी टर्मिनल एंड. अब आप देख सकते हैं कि ये एक पेप्टाइड बॉन्ड है और इस पेप्टाइड बॉन्ड के साइड में जो नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है इसके ऊपर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 वैलेंसी होती है और दो इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो यहां पर नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, साइड में एक सिंगल बॉन्ड और फिर से एक डबल बॉन्ड. तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोल देते हैं कंजुगेशन. और इलेक्ट्रॉन्स के इस तरह के अरेंजमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहां आ जाते हैं और एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर दे देते हैं इस पेप्टाइड बॉन्ड को. ये पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है पार्शियली डबल बॉन्डेड. इलेक्ट्रॉन्स उठ करके इस स्पेस में आ जाते हैं, आ जाएंगे. तो इसकी वजह से इस नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज. बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें, बॉन्ड लेंथ तो सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होगी, अगर ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी सिंगल बॉन्ड है, यहां पर काफी सारे सिंगल बॉन्ड्स आप देख सकते हो, सिंगल बॉन्ड की लेंथ होगी 1.49 एंगस्ट्रॉम. और डबल बॉन्ड की लेंथ की बात करें, डबल बॉन्ड की लेंथ होगी 1.27 एंगस्ट्रॉम. पेप्टाइड बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.32 एंगस्ट्रॉम. तो आप देख सकते हो कि ये ना तो इसके इक्वल है और ना ही इसके इक्वल है, कहीं ना कहीं बीच में ये है. मतलब कि पेप्टाइड बॉन्ड ना तो कंप्लीटली सिंगल बॉन्डेड है और ना ही कंप्लीटली डबल बॉन्डेड है, ये एक पार्शियल डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर है. और इस पार्शियल डबल बॉन्ड की वजह से ये जो चार मॉलिक्यूल्स हैं, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये चार मॉलिक्यूल्स एक प्लेन में रहेंगे, एक प्लेन में रहने का मतलब कि अगर एक पेपर लें, एक पेपर अगर लें तो उस पेपर के चारों कॉर्नर्स पे ये चारों एटम्स बैठ सकते हैं. कोई भी एटम
नीचे या ऊपर नहीं निकला होगा, जो चारों एटम्स हैं वो इस पेपर के चारों कॉर्नर पे रखे जा सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इतना स्ट्रक्चर हो गया ये प्लेनर। और ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है? पेप्टाइड बॉन्ड बनता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन प्रोसेस। ये ट्रांसलेशन प्रोसेस आप पढ़ेंगे सेंट्रल डॉग्मा में, जहां पे पहले रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, फिर रेप्लिकेशन से ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन मतलब आरएनए फॉर्मेशन, और फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन, उस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन के दौरान, ट्रांसलेशन के टाइम पे एक एंजाइम आता है, एंजाइम का नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है रिस्पॉन्सिबल, जो अल्टीमेटली ये पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है। और इस पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो ये बहुत ही स्टेबल बॉन्ड है, ऐसे ही बॉडी के अंदर डिग्रेड नहीं होगा। वैसे भी आप देख सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड तो ज्यादा ही स्ट्रेंथ है इसके पास, पार्शली डबल बॉन्ड है। और इस डबल बॉन्ड की वजह से ये स्ट्रक्चर रोटेट भी नहीं करता, क्योंकि यहां पर डबल बॉन्ड आ चुका है। तो स्ट्रक्चर ये इतना स्ट्रक्चर सिर्फ, जो रेड मार्कर से मैं शो कर रहा हूं, इतना स्ट्रक्चर ये रोटेट भी नहीं करेगा, ये स्ट्रक्चर एक प्लेन में पड़ा रहेगा। जो रोटेशन पॉसिबल है वो पॉसिबल है या तो इस बॉन्ड पे और या फिर इस बॉन्ड पे। तो ये रोटेशन हम आगे पढ़ेंगे रामचंद्रन प्लॉट में। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में बात करेंगे रामचंद्रन प्लॉट की, जहां पर ये एंगल्स रोटेट करते हैं और फाई और साई एंगल्स बनते हैं। और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस रामचंद्रन प्लॉट के ऊपर ही। तो देखते रहिए और सीखते रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। अगर कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, मैं आपकी क्वेरी का जवाब दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।